हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्निका एंड वेलकम टू स्टडी विद एनवी सर। हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं जो कक्षा 12 के फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हम लोगों ने दो अनुप्रयोग पहले से कर रखे हैं। तो आज जो हमारा अनुप्रयोग नंबर है वो तीसरा है, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, दो अचालक प्लेटें होंगी जो एक पे धनावेशित होगी और एक ऋणावेशित होगी। ये दोनों एक दूसरे के समांतर स्थित होंगी और इनका पृष्ठ घनत्व भी कैसा होगा, समान होगा। उन प्लेटों के बीच में तथा प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, हमको आज की क्लास में यही देखना है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह इसके सूत्र का निगमन यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो जब दो प्लेटों की बात किया जा रहा है तो हम क्या लेंगे, पहले दो प्लेटें ले लेंगे। ये रही हमारी दो प्लेटें, इसको प्लेट नंबर वन हम कर देते हैं और यहाँ पे जो हमारा है ये प्लेट नंबर क्या हो गया, टू हो गया। ये प्लेट मान लेते हैं धनावेशित है और ये प्लेट हमारी कैसी है, ऋणावेशित है। ठीक, पहली प्लेट हमारी धनावेशित है और दूसरी प्लेट हमारी ऋणावेशित है। पहले इन दोनों प्लेटों के बीच में मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, हमारा P है, जहां पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमको दो कंडीशन है, एक प्लेटों के बीच में और एक प्लेटों के बाहर। तो प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो बिंदु P पे निकालनी है तथा प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम मान लेते हैं बिंदु Q पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, हम सबको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो धन आवेश से दूर की तरफ होती है, यानी कि यहां पे क्या होगी, इसकी दिशा इससे दूर की तरफ होगी, जिसको हम लोग कह लेते हैं पहले प्लेट के कारण है। तो ये क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। और अगर फिर हम देखते हैं कि इस बिंदु P पे इस माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो हमको पता है कि ऋण आवेश की दिशा में होती है, यानी कि जो E2 का मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश की दिशा में हो जाएगा दूसरे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब जो Q है, बिंदु Q पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरह होगी, ये धन आवेश से दूर की तरफ होगी, यानी कि इसकी जो दिशा है ये कहां है, इस प्लेट से बाहर की तरफ है। और जो धन आवेश है, ये प्लेट पहला है, इसका मतलब E1 जो है वो कहाँ है, बाहर की तरफ है। तथा जो E2 है यानी कि दूसरे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ऋण आवेश की दिशा में होती है, यानी इसकी दिशा क्या होगी, E1 के विपरीत होगी। ठीक है, यानी बाहर की कंडीशन ये होगी और अंदर की कंडीशन ये होगी। तो यहाँ पे हमको लिखना क्या होता है, हम लिखेंगे क्या कि माना चित्रानुसार दो अचालक प्लेटें हैं जिसमें से पहली प्लेट पे धन आवेश है तथा दूसरी प्लेट हमारी ऋण आवेशित है। इन दोनों प्लेटों में जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा, वो क्या है, समान है। इन दोनों प्लेटों के बीच कोई बिंदु P स्थित है जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा प्लेटों के बाहर स्थित बिंदु Q पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखने के बाद अब हम आते हैं हमको करना क्या है। तो पहले देखते हैं कि P1 में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी प्लेट एक के कारण। ठीक है, यहां पे लिखते हैं कि प्लेट वन के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, तो प्लेट वन के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, E1 है। तो E1 बराबर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिग्मा बटे कितना होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे अप्लाई होगा। अब उसके बाद में देखते हैं क्या, इस दूसरे प्लेट के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस अब क्या लिखेंगे, प्लेट दो के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे प्लेट के कारण जो तीव्रता है वो E2 है, यानी कि सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इसका भी मान है। ठीक है, अब जो बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे,
अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि जो E1 है और E2 है, इन दोनों का मान यानी कि परिमाण जो है वो समान है, ये भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि E1 और E2 परिमाण में तो समान है और इनकी दिशा भी क्या है, समान है। तो जब परिमाण और दिशा दोनों की समान होती है तो दोनों का जो योगफल होता है वही क्या होती है, हमारी परिणामी तीव्रता होती है। ठीक है, इसका मतलब E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब जो E बराबर हो जाएगा, E1 का मतलब हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मतलब हो गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का हर समान है तो हर को एक बार लिखा जाएगा और चिन्ह को उसके हर अंश को उसके चिन्ह के साथ में उतारते हैं। सिग्मा में सिग्मा जुड़ेगा तो 2 सिग्मा होगा और बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ पे, दोनों प्लेटों के मध्य, दोनों प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान कितना आएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हमको मध्य में भी देखना और बाहर भी देखना है। बाहर जो है वो बिंदु हमारा कौन सा है, क्यू है, इसका मतलब दोनों प्लेटों के बाहर स्थित बिंदु क्यू पर। अब देखते हैं फिर से हमारी जो कंडीशन आती है, लिखेंगे प्लेट 1 के कारण क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहां पे क्यू के कारण भी E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में दूसरे प्लेट के कारण क्यू पर तीव्रता E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पे भी हमको दिख रहा है कि जो E1 और E2 है दोनों का परिमाण क्या है, समान है, ये भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या, यहां पे जो E1 है और E2 है ये क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, एक की दिशा ये है और एक की दिशा ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स है। तो जब दो तीव्रताओं का परिमाण समान होता है किंतु उनकी दिशाएं आपस में क्या होती है, विपरीत होती हैं, तो हमको पता है कि जो परिणामी तीव्रता होती है वो दोनों के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, E1 माइनस E2 हो जाएगा, यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, E1 माइनस E2 हो जाएगी। भाई पहले से ही दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स मूव करके बैठे हुए हैं तो इन दोनों का मिलना तो मुश्किल ही है। तो E1 बराबर क्या है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, हम यहाँ पे रख देंगे, और ये भी क्या है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों समान परिमाण के हैं किंतु विपरीत चिन्ह है, तो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कट जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसका मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है भाई, दुश्मनी से तो कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो हम लोग क्या लेंगे, अचालक प्लेटों को लेंगे, एक पे धन आवेश होगा और एक पे ऋण आवेश होगा, तो इन दोनों प्लेटों के मध्य जो तीव्रता है उसका मान तो हर जगह समान रहता है, यानी कि कहीं पे भी इन दोनों के मध्य में, यहाँ ले ले, यहाँ 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 कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट ही होगा। लेकिन प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लेटों के बाहर नहीं होती है। ठीक है, तो ये था हमारे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 3। तो अगला अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।